नमस्कार, मैं हुशवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 9 सितंबर, खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने गया जी डैम, प्रदेशवासियों को किया सुपुर्द। पटना गया डोभी, सड़क की चौड़ाई बढ़ाकर की जाएगी 6 लेन। मैट्रिक और इंटर की सेंट परीक्षा की तिथि हुई घोषित। नगर निकाय चुनाव में इन लोगों की नहीं होगी भागीदारी। अफगानिस्तान पर भारत की विराट जीत। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मुख्यमंत्री ने गया जी डैम, प्रदेशवासियों को किया सुपुर्द। गया का विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले का शुभारंभ आज से हो चुका है। वहीं बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया के फल्गु नदी पर बने रबर डैम यानी गया जी डैम का उद्घाटन किया और इसे प्रदेशवासियों को सुपुर्द किया। मालूम हो कि आज से पितृपक्ष शुरू हो रहा है और गया के फल्गु नदी के तट पर आज से पिंडदानी अपने पितरों को पिंडदान करेंगे। बीते दिन वहाँ मुख्यमंत्री ने फल्गु नदी पर बने गया जी डैम का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने देवघाट से सीताकुंड पिंड वेदी तक जाने के लिए फल्गु नदी पर बने पुल का भी उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने गयाजी डैम का जायजा भी लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे संचिता बासु की। बिहार की धरती पर जन्म लिए अनेकों हस्तियों ने अपने टैलेंट और प्रतिभा के बदौलत देश और विदेशों में बिहार का नाम रोशन किया है। उन्हीं में से एक हैं भागलपुर की संचिता बासु। बिहार के भागलपुर की रहने वाली संचिता बासु को टिकटॉक स्टार के रूप में लोगों का खूब स्नेह मिला, लेकिन अब संचिता बासु साउथ इंडियन फिल्म जगत के स्टार बन चुकी हैं। संचिता बासु का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में बिहार के भागलपुर में 24 मार्च 2003 को हुआ था। वर्तमान में इनका परिवार भागलपुर में ही रहता है। संचिता के बारे में यह बताया जाता है कि वह डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन समय के साथ रुझान बदला और फिल्मी दुनिया संचिता को पसंद आने लगा। यही वह कारण है कि संचिता टिकटॉक पर पॉपुलर होने लगी और उन्हें कई जगहों से फिल्म के ऑफर आने लगे और उन्होंने तमिल मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो से अपनी करियर की शुरुआत की, जो कि सुपरहिट रहा। पटना गया डोभी, सड़क की चौड़ाई बढ़ाकर की जाएगी 6 लेन। पटना गया डोभी सड़क को अब 6 लेन बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि पहले यह मुख्य सड़क 4 लेन चौड़ाई की बनाई जा रही थी, लेकिन अब मुख्य सड़क के दोनों तरफ कुल 7 मीटर चौड़ाई की सर्विस लेन बनाई जा रही है। इसके बाद इस सड़क की चौड़ाई 6 लेन की हो जाएगी। बताते चले कि इसका निर्माण कार्य 2020 से पहले करीब 5 साल से बाधित है। इस मामले पर जब पटना हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, तब जाकर इसके निर्माण कार्य में तेजी आई है। आपको बताते चले गया और पुनपुन में बड़ी संख्या में लोग पिंडदान करने के लिए आते हैं। पटना गया डोभी मार्ग के बनने से पटना से गया आवागमन और आसान हो जाएगा, साथ ही पर्यटकों को भी काफी सहूलियत होगी तथा इस क्षेत्र का भी तेजी से विकास होगा। नगर निकाय चुनाव में लोगों की नहीं होगी भागीदारी। नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि किस प्रकार के व्यक्ति चुनाव लड़ने के पात्र हैं। जारी किए गए दिशा निर्देश में राज्य में आंगनबाड़ी सेविकाओं को नगर पालिका चुनाव लड़ने की मनाही है। यही नहीं, वे किसी प्रत्याशी या प्रस्तावक या समर्थक भी नहीं बन सकती हैं। इनके साथ साथ विशेष शिक्षा योजना, साक्षरता अभियान, विशेष शिक्षा केंद्रों में मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक, नगर पालिका पंचायत के अधीन मानदेय या अनुबंध पर कार्यरत शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र व अन्य कर्मी, पंचायत के अंतर्गत मानदेय पर कार्यरत दलपति, केंद्रीय या राज्य सरकार के किसी भी स्थानीय प्राधिकार से पूर्णतः या आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत पदस्थापित प्रतिनियुक्त शिक्षक, प्रोफेसर, शिक्षकेतर कर्मचारी, होमगार्ड, सरकारी वकील, लोक अभियोजक भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। एम्स ने क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के 33 रिक्तियों के लिए निकाली भर्ती अधिसूचना। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स ऋषिकेश ने ट्यूटर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के कुल मिलाकर 33 रिक्तियों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को नर्सिंग में बैचलर डिग्री या मिडवाइफरी और सिस्टर ट्यूटर्स डिप्लोमा पास होने के साथ ही 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.aimsrishikesh.edu.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।
दिवाली से पहले ही इन ट्रेनों में लंबी वेटिंग। अभी दिवाली में लंबा समय बाकी है, लेकिन अभी से ही त्योहारों का असर दिखने लगा है। 2 सालों से कोरोना का मार झेल रहे बिहारवासी इस बार अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। नतीजतन अभी से ही पटना और बिहार के बाकी हिस्सों से आने वाले लोगों में टिकट के लिए मारामारी शुरू हो गई है। ऐसे में दीपावली पर घरों को आने वाले यात्रियों के लिए गंभीर संकट खड़ा हो गया है। पटना आने वाली तमाम ट्रेन 5 दिन पहले से ही वेटिंग लिस्ट में चली गई है। नई दिल्ली राजेंद्र नगर तेजस राजधानी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस, श्रमजीवी, भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है। हालांकि पूर्व मध्य रेल के CPRO वीरेंद्र कुमार ने बताया कि जल्द ही पूजा स्पेशल ट्रेनों की सूची जारी होगी। आज भी जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। बिहार में इन दिनों मौसम मेहरबान है। इन दिनों राजधानी पटना सहित राज्य के अन्य क्षेत्रों में जमकर बारिश हो रही है। इस दौरान उत्तरी बिहार के अधिकतर क्षेत्रों में भारी बारिश तो वहीं दक्षिणी बिहार में सामान्य से मध्यम बारिश देखने को मिल रही है। आज की बात करें तो राजधानी पटना सहित अन्य क्षेत्रों में सामान्य से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं IMD विज्ञानियों का कहना है कि समान रूप से पूरे प्रदेश में जबरदस्त ठंड का गिरने की आशंका है। इसको लेकर लोगों को सलाह दी गई है कि वह बारिश के समय पूरी तरह सतर्क रहें। ऑनलाइन पिंडदान योजना पर विष्णुपद मंदिर कमेटी की आपत्ति। नीतीश सरकार के ऑनलाइन पिंडदान की योजना पर विष्णुपद मंदिर कमेटी ने कड़ी आपत्ति जताई है। विष्णुपद मंदिर कमेटी का मानना है कि ऑनलाइन पिंडदान से लाभ नहीं होगा। शास्त्रों में ऑनलाइन व ई पिंडदान का विधान नहीं है। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष शंभूलाल विठल ने कहा कि ऑनलाइन पिंडदान कराने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। पर्यटन विभाग निगम व गया के कुछ तथाकथित ब्राह्मण तीर्थयात्रियों को ठगने के लिए इस व्यवस्था को चला रहे हैं। इसे रोकने के लिए गयापाल समाज पूरी तरह से एकजुट है। इस संदर्भ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी एक ज्ञापन दिया जाएगा। आपको बताते चले कि पर्यटन विभाग भी पिंडदान के लिए पैकेज निकाला है। जब गया में हर राज्य हर जिले के पंडे हैं तो ये जो पैकेज निकाले हैं तो उन तीर्थयात्रियों का पिंडदान कौन कराएंगे? श्राद्ध श्रद्धा का है, जिसकी जितनी श्रद्धा होती है उतना दान दक्षिणा करना है। मैट्रिक और इंटर की सेंटअप परीक्षा की तिथि हुई घोषित। बिहार बोर्ड के वैसे छात्र एवं छात्राएं जो अगले साल 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए अहम सूचना है। ऐसे विद्यार्थियों को बता दें कि बिहार बोर्ड ने इन विद्यार्थियों के सेंटअप एग्जाम की तिथि की घोषणा कर दी है। इंटर का सेंटअप एग्जाम 11 अक्टूबर और मैट्रिक का सेंटअप एग्जाम 15 नवम्बर से ली जाएगी। बिहार बोर्ड द्वारा इसकी जानकारी राज्य के सभी जिलों में शिक्षा पदाधिकारी को दे दी गई है। बिहार बोर्ड की माने तो इस परीक्षा में कुल 30 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे, जिसमें 13 लाख के लगभग इंटर के छात्र शामिल होंगे। वहीं 17 लाख के लगभग मैट्रिक के छात्र शामिल होंगे। शराब माफियाओं को पकड़ने के लिए संविदा पर बहाल किए जाएंगे पदाधिकारी। बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए बिहार सरकार लगातार प्रयासरत है। इसके लिए आए दिन बिहार सरकार का उत्पाद विभाग अहम फैसले लेता है। इस बीच अब यह खबर आई है कि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग शराबबंदी के विरुद्ध कार्रवाई को और कारगर बनाने के लिए संविदा पर पदाधिकारियों को बहाल करेगा। विभाग की ओर से इन पदों पर संविदा के जरिए बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खास बात यह है कि इसके लिए अधिकतम 65 वर्ष के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों से आवेदन मांगा गया है। इच्छुक सेवानिवृत्त मद्य निषेध सहायक आयुक्त एवं मद्य निषेध अधीक्षकों को अपना पूर्ण विवरण 15 सितंबर तक विभाग में जमा करने को कहा गया है। गुजरात से लेकर बिहार तक आयकर विभाग का छापा। बीते गुरुवार 8 सितंबर का दिन छापेमारी दिवस में तब्दील हो गया। एक और जहां कुल 5 शहरों में NIA ने पटना टेरर मॉड्यूल के मामले में छापेमारी की, वहीं आयकर विभाग ने भी बीते दिन गुजरात से लेकर बिहार तक छापेमारी की। दरअसल आयकर विभाग ने अवैध तरीके से चंदा की वसूली के मामले में देश के 111 छोटे रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों के 160 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। इसी कड़ी में बिहार में भारतीय जनक्रांति दल के कार्यालय में आयकर विभाग की स्पेशल टीम पहुंची है। आयकर विभाग की टीम यहां पर छापेमारी की। पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के मीठापुर इलाके में स्थित सुरेश दत्त मिश्रा के मकान में इस पार्टी कार्यालय है और राकेश दत्त मिश्रा इस पार्टी के प्रमुख हैं। छापेमारी के लिए गुजरात से आयकर विभाग के अधिकारियों की विशेष टीम आई थी, जहाँ से बड़ी संख्या में कुछ महत्वपूर्ण कागजात बरामद किए गए हैं। नीतीश तेजस्वी के सामने शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। CM नीतीश कुमार और डिप्टी CM तेजस्वी यादव के गया पहुंचने के बाद एक बार फिर से
शिक्षक अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान आयोजित गया जी डैम समारोह में अफरा तफरी मच गई। दरअसल समारोह में सीटेट और बीटेट पास अभ्यर्थी अपने हाथों में पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी करने लगे, जिससे समारोह में कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। इस दौरान अभ्यर्थी सातवें चरण की बहाली करने की मांग करने लगे। बता दें कि कुछ दिन पहले भी शिक्षक अभ्यर्थियों ने पटना में जमकर बवाल किया था। गंडक सहित पहाड़ी नदियों का बढ़ा जलस्तर। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश बिहार के लिए आफत बन बैठी है। तराई क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश की वजह से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के कई सारे हिस्सों में पानी भरने लगा है। इस वर्ष की सबसे भारी बारिश विगत दो दिनों में नेपाल के तराई क्षेत्र और बगहा में हुई है। यह वजह है कि वाल्मीकि नगर बगहा मुख्य मार्ग पर नौरंगिया में हरदिया चाती के पास करीब 1.5 फीट पानी बहने लगा है। बीते दिन शाम तक के अपडेट के अनुसार पहाड़ी नदियों के उफान से वाल्मीकि नगर, गनौली, मदनपुर, हरना टांड, चिउटानहा, मंगूराहा, गोबरधना, रघियावन क्षेत्रों के निचले इलाकों में पहाड़ी नदी और बारिश का पानी फैल रहा है। वहीं वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 1.25 लाख क्यूसेक पानी का लगातार डिस्चार्ज होने से एक बार फिर से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ह्वेनसांग स्मृति भवन इस वजह से है बेहद खास। बिहार में कई दर्शनीय, ऐतिहासिक और तीर्थ स्थल मौजूद हैं जो कि आपके बिहार पर्यटन को यादगार बना सकते हैं। उन्हीं में से एक है ह्वेनसांग स्मृति भवन। इस भवन का निर्माण भारत तथा चीन के सरकार के आपसी सहयोग से करवाया गया था। इस भवन का निर्माण चीनी शैली में किया गया है। यह भवन नालंदा भग्नावशेष से 1 किलोमीटर उत्तर पूर्व विशाल सरोवर के पूर्वी किनारे पर स्थित है। इसके शिखर के दोनों ओर ह्वेनसांग का छोटा प्रतिरूप बनाया गया है। भवन के परिसर में ह्वेनसांग की प्रतिमा है जिसके पीठ पर पुस्तकों की गठरी लदी हुई है। इतिहास के साक्ष्य के आधार पर ह्वेनसांग हर्षवर्धन के राज्यकाल में 635 ईस्वी अर्थात 7वीं सदी में चीन से भारत आया था। वह भारत के समृद्धि से काफी प्रभावित था। ओटनी डैम पर बनेगा हेलीपैड। बिहार के पर्यटकीय स्थलों में से एक बांका के ओटनी डैम अब हवाई सेवा से जल्द जुड़ेगा। इससे यहां आने वाले पर्यटकों को, खासकर विदेशी पर्यटकों को, काफी सहूलियत होगी। हवाई सेवा शुरू होने से यहां रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। उससे पहले यहां पानी के बीच 6 एकड़ जमीन पर बड़ा रिजॉर्ट बन रहा है। दरअसल पटना विभाग के सचिव संतोष मल ने ओढ़नी डैम का जायजा लेते हुए यहां हेलीपैड बनाने का आदेश दिया है। इस हेलीकॉप्टर सेवा से भागलपुर जिले के दर्शनीय स्थल विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी जोड़ा जाएगा। नीतीश कुमार बनेंगे पीएम तो तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के सीएम। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार बनेंगे पीएम तो वहीं तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के सीएम। दरअसल बीते दिन गया जी डैम के उद्घाटन में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि 2024 के चुनाव के बाद जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनकर जनता की सेवा करेंगे। गया में फल्गु नदी के किनारे रबर डैम और पितृपक्ष मेला के उद्घाटन समारोह में मांझी ने नीतीश और तेजस्वी की मौजूदगी में मगही भाषा में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश जी जब पीएम बनेंगे तब न तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। जब तेजस्वी यादव से मीडिया ने मांझी के भाषण पर पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके पास काफी जिम्मेदारियां हैं और इसके आगे उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। भाजपा का आरोप, नीतीश कुमार ने दूध की रखवाली का जिम्मा बिल्ली को दे दिया। महागठबंधन की सरकार के मंत्रियों पर शुरू से ही दागे होने का आरोप भाजपा लगा रहे हैं। साथ ही ऐसे मंत्रियों को कैबिनेट से निकालने की मांग कर रहे हैं। मालूम हो कि यही वजह थी कि पूर्व कानून मंत्री कार्तिक सिंह को उनके पद से हटाया गया था और अब पूर्व डिप्टी सीएम सह भाजपा नेता सुशील मोदी ने खनन मंत्री रामानंद यादव को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। सुशील मोदी ने राजद का संबंध बालू माफियाओं से होने का सबूत पेश किया है। उन्होंने कहा कि बालू माफिया सुभाष यादव और पूर्व विधायक अरुण यादव का लालू परिवार से काफी करीबी का संबंध है। इस धंधे में राजद के लोग शामिल हैं। ऐसे में खनन विभाग, जिसके अंदर ही बालू का कारोबार होता है, उस विभाग का मंत्री रामानंद यादव को बनाया गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खनन मंत्री रामानंद यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें, साथ ही यह विभाग राजद कोटे से अलग करें। दिल्ली दौरे के बाद सीएम ने लालू यादव से की मुलाकात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन दिल्ली से आने के बाद राजद सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात की। मालूम हो कि दिल्ली दौरे पर जाने से पहले भी नीतीश कुमार ने लालू यादव से मुलाकात की थी और एक बार फिर दिल्ली दौरे पर से आने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने लालू यादव से मुलाकात की। इस दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी मौजूद रही। दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई इसकी जानकारी तो नहीं दी गई। बताया जाता है कि दोनों नेताओं के बीच विपक्षी दल की गोलबंदी पर चर्चा हुई है। तेजस्वी फिर बोले, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए।
फल्गु नदी पर बने गया जी डैम के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे डिप्टी सीएम ने आवाम को संबोधित करते हुए कहा कि जड़ा इंतजार का मजा लीजिए। दरअसल उद्घाटन के मौके पर राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि पितृपक्ष में देश विदेश से पर्यटक आएंगे और जब रवर डैम को देखेंगे तो हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा। महागठबंधन की सरकार बनी है, मैं इतना जरूर कहूंगा कि अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा, सब काम किया जाएगा। रोजगार और नौकरी की दिशा में भी तेजी से काम किया जा रहा है, थोड़े इंतजार का मजा लीजिए। नीतीश जी ने सभी विभागों को भर्ती और बहाली के संबंध में आदेश जारी कर दिया है। तेजस्वी ने कहा कि जो काम कोई नहीं कर पाया वो काम मुख्यमंत्री जी करके दिखाएंगे। सीएम नीतीश पर जमकर बरसे संजय जायसवाल। बीते दिन समस्तीपुर जिले के चीनी मिल चौक परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल यह धरना प्रदर्शन भाजपा नेता रघुवीर स्वर्णकार के हत्या मामले को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में किया गया था। इस धरना प्रदर्शन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी शामिल हुए थे। धरना के बाद भाजपा कार्यकर्ता संजय जायसवाल के नेतृत्व में पैदल मार्च निकालकर समाहरणालय गेट पर प्रदर्शन और सड़क जाम किया। धरना में भाषण के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने तेजस्वी यादव को राजकुमार से संबोधित किया। वहीं संजय जायसवाल ने कहा कि हम 4-5 महीनों से नीतीश कुमार को चेतावनी दे रहे थे कि हर शहर में हत्या हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री को बहुत बुरा लगा था। उन्हें यह पसंद नहीं है कि उनके सामने कोई हत्या की बात करे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। प्रसिद्ध हिंदी लेखक और नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 को हुआ था। भारतीय दार्शनिक हुसैन शाह का जन्म 1905 को हुआ था। भारतीय सिनेमा इतिहास के अग्रणी निर्माता निर्देशक महबूब खान का जन्म 1907 में हुआ था। प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेत्री लीला चिटनिस का जन्म 1909 को हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार कांति कुमार जैन का जन्म 1932 को हुआ था। प्रसिद्ध साहित्यकार मणि मधुकर का जन्म 1942 को हुआ था। बॉलीवुड प्रसिद्ध अभिनेता अक्षय कुमार का जन्म आज के दिन 1967 को हुआ था। भारतीय सैनिक विक्रम बत्रा का जन्म 1974 को हुआ था। भारत के सुविख्यात कलाम मर्मज्ञ तथा चिंतक आनंद कुमार स्वामी का निधन 1947 को हुआ था। भारत के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, नाटककार, क्रांतिकारी पत्रकार राम वृक्ष बेनीपुरी का निधन 1968 को हुआ था। भारत की संविधान सभा ने 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे फर्जी उद्यम पंजीकरण वेबसाइट के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे उद्यम के लिए मांगे जा रहे रजिस्ट्रेशन चार्ज के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि एक वेबसाइट ई उद्योग aadhaar.org MSME उद्योग के लिए पंजीकरण करने का दावा कर रही है और पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रिंट करने के लिए 2700 रुपये मांग रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। वास्तव में यह वेबसाइट ही फेक है। उद्यम पंजीकरण के लिए आधिकारिक वेबसाइट जो कि रियल है udyamregistration.gov.in है। iPhone 14 में मिलेगा यह खास फीचर। एप्पल ने iPhone 14 लॉन्च कर दिया है। iPhone 14 सीरीज का लॉन्च इवेंट कैलिफोर्निया स्थित कंपनी के हेडक्वार्टर में हुआ और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी की गई। जानकारी के मुताबिक कंपनी ने iPhone 14 के 4 वेरिएंट पेश किए हैं। एप्पल ने इस इवेंट में iPhone 14 सीरीज के साथ नई एप्पल वॉच सीरीज 8 और AirPods Pro 2 भी लॉन्च किया है। लॉन्चिंग से पहले सामने आ रही मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि इस बार लाइनअप में मिनी मॉडल को शामिल नहीं किया जाएगा। ये बात सच साबित हुई है, इस बार iPhone 14 मिनी नहीं है। कोसी सीमांचल, उत्तरी बिहार, मिथिलांचल और झारखंड के जिलों के लिए चलेंगी बसें। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम जल्द ही मुंगेर से 12 रूटों पर बस का परिचालन करने जा रही है। यह बस बिहार के कई रूटों पर होते हुए झारखंड के भी कई जिलों में जाएगी। आपको बता दें कि यह बस कोसी सीमांचल, उत्तरी बिहार, मिथिलांचल और झारखंड के जिलों के लिए चलेगी। इन बसों का परिचालन CNG और डीजल से होगा। खबरों की माने तो राज्य में 70 नई बसें आने वाली हैं। इसमें से 10 से 12 बसें मुंगेर प्रतिष्ठान को मिलने की उम्मीद है। मुंगेर से बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, पटना, रांची व भागलपुर के लिए बस का परिचालन होगा। अफगानिस्तान पर भारत की विराट जीत। भारतीय टीम ने विराट कोहली के नाबाद 64 गेंदों में 122 रनों की बदौलत एशिया कप 2022 के अपने आखिरी मैच में अफगानिस्तान को 101 रनों से करारी शिकस्त दी है। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 212 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया, जिसे अफगानिस्तान की टीम नहीं भेद सकी और 8 विकेट खोकर महज 111 रन ही बना सकी। भारतीय टीम की तरफ से इस मैच के हीरो रहे विराट कोहली ने अपने शतक का सूखा
खत्म किया और 61 गेंदों में 12 चौके और 6 छक्कों की मदद से 200 की स्ट्राइक रेट से 122 रनों की बेहतरीन पारी खेली। इसी के साथ करीब 3 साल के बाद विराट ने अपना 71वां शतक पूरा किया। वहीं गेंदबाजों में भुवनेश्वर कुमार ने सबसे अधिक 5 विकेट चटकाए। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है शैलेंद्र यादव, अजय कुमार पासवान, रामशंकर जायसवाल, सत्यम राज, राहुल गुप्ता, महेश्वर कुमार, कविता कुमारी, आलोक कुमार, अमरजीत कुमार, मंजय कुमार, राकेश सैनी, रामनवी मांझी, पूजा यादव और पंकज कुमार दास। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपको क्या लगता है बिहार की बेटी संचिता बासु फिल्म इंडस्ट्री में एक सफल अदाकारा के रूप में खुद को स्थापित कर पाएंगी या नहीं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।